हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। सॉरी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों को कल सडनली हॉस्पिटल जाना पड़ा था क्योंकि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम गए हुए थे मेरे इन लॉज के घर पे। वो जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, तो हम उनसे मिलने गए हुए थे। और कल सडनली क्या हुआ था कि हमें मॉर्निंग में 8 बजे करीब फ़ोन आया था कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो उनके साथ हुआ क्या था कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि जो बॉडी है वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद दिन भर तो वो ठीक थे, बट जैसे ही 3 या 4 बजे तो उनकी फिर से तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई थी, फिर से वो रिएक्ट करना बंद कर दिए थे। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और भी उनके बहुत सारे टेस्ट हुए थे जो कि नॉर्मल आए थे, सिर्फ बीपी और शुगर के कारण ही उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज का जो रिपोर्ट है बीपी और शुगर का वो नॉर्मल आया था, तो आज शाम को उनको डिस्चार्ज मिल चुका है और वो अभी घर आ चुके हैं। गाइस क्या होता है ना कि अगर फैमिली में किसी की भी तबीयत ख़राब रहती है और हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, तो फिर आप सोच सकते हो कि हर एक मेंबर की क्या सिचुएशन होती है। एक्चुअली मेरे फादर को भी गए हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, बट हमें अभी भी ऐसा फील होता है कि मेरे पापा को कुछ हुआ ही नहीं है, वो अभी भी यहाँ हैं। तो ऐसा लगता है कि फ़ोन करके उनसे बात कर लो। हम अभी भी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि मेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। आसपास के लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो बस गाइज, मैं आप लोगों के साथ बस इतना ही शेयर करना चाहती थी कि अब फिर से हैप्पी होके आप लोगों के ब्लॉग बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइज़।